गैस की सब्सिडी कैसे चेक करते हैं, और ये सारा काम आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हो, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आप जो गैस भरवाते हैं उसकी सब्सिडी वापस आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो कितने रुपए की सब्सिडी आती है, किस किस डेट में आपकी सब्सिडी आई हुई है, साथ ही किस बैंक अकाउंट में जो है जो सब्सिडी आती है, किस बैंक अकाउंट यानी किस खाते में आती है, ये सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खोल लेना है। ठीक, गूगल खोलने के बाद में आपको सर्च बार में टाइप कर देना है LPG। इस प्रकार से LPG टाइप करेंगे, उसके बाद में सर्च करा देना है। ठीक, जैसे आप सर्च कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। सबसे ऊपरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा lpg.in, myLPG.in। आपको क्या करना है, इसी myLPG.in वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं myLPG.in की जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीनों गैस की सब्सिडी को चेक करने का ऑप्शन दिया गया है। पहले पे है भारत गैस, दूसरे पे है HP गैस और तीसरे पे है इंडियन गैस। ठीक, तो हम यहाँ पे इंडियन का चेक करने वाले हैं, तो हम इंडियन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अगर आप HP का चेक करना चाहते हैं तो आपको HP के ऊपर क्लिक करना है, भारत का चेक करना चाहते हैं तो भारत के ऊपर क्लिक करना है। ठीक, तो यहाँ पे इंडियन के ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको गिव योर फीडबैक ऑनलाइन के ऊपर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन दिया है LPG का, आपको LPG के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी टू लेट। तो यहाँ पे आपको इसमें जो है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है सब्सिडी रिलेटेड पहल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ, सब्सिडी रिलेटेड पहल। आपको क्या करना है, इसी के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक, क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे देख सकते हैं सब कैटेगरी में आपको जो है यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है। पहले है सब्सिडी नॉट रिसीव्ड, उसके बाद में आधार लिंकिंग इशू, उसके बाद में आधार कार्ड रिलेटेड इशू। तो यहाँ पे आपको जो क्लिक करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, सब्सिडी नॉट रिसीव्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है सब्सिडी चेक करने का दो ऑप्शन मिल जाता है। पहला है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप अपना जो गैस से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप उसे डाल के उसी से चेक कर सकते हैं। और दूसरा है LPG ID से, यहाँ पे LPG ID यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 बॉक्स दिए हैं, तो 16 अंकों की होती है LPG ID। तो एक बॉक्स में 4-4 अंक आएंगे, तो 16 अंकों की LPG ID डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको डालना है, चाहे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए और चाहे आप अपनी LPG ID डाल दीजिए, उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे LPG ID डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने LPG ID जो है अपनी डाल दी। ठीक, उसके बाद में मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक, जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करेंगे, उसके बाद में जो पेज है यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो सब्सिडी है, यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो सब्सिडी है यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने रुपए की सब्सिडी आई है, इसमें सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनकी 249 रुपए की सब्सिडी, यहाँ पे देख सकते हैं 249, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। सब्सिडी अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं 249, यानी कि 249 रुपए की सब्सिडी जो है इनकी आती है। और ये सब्सिडी उज्ज्वला योजना में आती है, जिनका गैस फ्री वाला कनेक्शन रहता है उसमें 249 रुपये 50 पैसे की सब्सिडी आती है, और जिनका उस तरह कनेक्शन रहता है उस पर 49 रुपये, केवल 49 रुपये की जो है सब्सिडी आती है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस किस डेट में डिलीवरी डेट, यहाँ पे देख सकते हैं डेट टाइम, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप एक एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंडर, इन्होंने जितना सिलेंडर लिया, जैसे एक सिलेंडर यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिलेंडर यहाँ पे, एक सिलेंडर यहाँ पे। ऑर्डर का डेट देख सकते हैं किस डेट में इन्होंने बुक किया है, ऑर्डर डेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक, उसके बाद में इधर जो है ऑर्डर नंबर दिया गया है। ठीक, उसके बाद इधर कैश मेमो नंबर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे कैश मेमो नंबर देख सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे सब्सिडी देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, यानी कि इनकी सब्सिडी जो है आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे आगे देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर में, यहाँ पे देखेंगे तो आपके अकाउंट नंबर का लास्ट का अंक भी शो कर रहा है, तो यहाँ से आप पता भी लगा सकते हैं कि किस खाते में आपकी जो है सब्सिडी जा रही है। तो इस तरह से आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकी जो सबसे ऊपर वाली सब्सिडी, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने अभी हाल में ही जैसे इन्होंने गैस भरवाया होगा, 15 अगस्त 2023 का डिलीवरी डेट है, तो इनकी सब्सिडी वहाँ से जारी तो हो गई है, लेकिन अभी इनके बैंक खाते में डिपॉजिट नहीं हुई। जिस भी डेट में इनके बैंक खाते में डिपॉजिट हो जाएगी तो यहाँ पर वो डेट मेंशन की जाएगी, और साथ ही वो अकाउंट नंबर भी यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए कोई सब्सिडी यहाँ पर जो है शो कर रही है, ठीक, लेकिन जो है आपके
आपके बैंक खाते में नहीं आ रहे तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी सब्सिडी है आप उस पर ऐसे टिक मार्क लगाएंगे। ठीक, टिक मार्क लगाने के बाद में यहाँ पे कंप्लेंट डिटेल में उसकी आप कंप्लेंट भी जो है लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंप्लेंट डिटेल में आप 500 कैरेक्टर में यहाँ पे आप टाइप करके लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है लिख के जो है सबमिट कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।